नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook में अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। दोस्तों Facebook में अकाउंट बनाने के लिए आपको दो चीज़ें होना चाहिए, एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप मोबाइल नंबर के जरिए Facebook अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी Facebook अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक अपना Facebook अकाउंट नहीं क्रिएट किए हैं और जानना चाहते हैं कि Facebook अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो इस वीडियो का आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। Facebook अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपने फ़ोन में Facebook ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा। अगर आप अपने फ़ोन में Facebook ऐप्स इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर Facebook ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब Facebook ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से आता है आपके फ़ोन में, तो यहाँ पे हम Facebook पे क्लिक करते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर और ईमेल। इसके बाद यहाँ पे मिलता है ऑप्शन पासवर्ड का। तो अगर आप अपना अकाउंट पहले से क्रिएट कर चुके हैं और अपने अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर डालिएगा और इसके बाद यहाँ पे डालिएगा पासवर्ड। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा लॉगिन। मगर आप अपना Facebook अकाउंट नहीं बनाए हैं, आप अपना Facebook अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा क्रिएट न्यू Facebook अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा Facebook को ज्वाइन करने के लिए नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम डालना होता है, अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, यहाँ पे आप डालिएगा अपना लास्ट नेम। यहाँ पे मैं अपना नेम को इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से अपना नेम डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होता है। आपको अपना एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ डालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप चाहें तो अपना कोई भी डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल और फीमेल। तो अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कीजिएगा, बाय द वे आप फीमेल सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मोबाइल नंबर। अगर आप अपना Facebook अकाउंट मोबाइल नंबर से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डालिएगा अपना मोबाइल नंबर। Facebook अकाउंट बनाते समय आप चाहते हैं कि हम अपना मोबाइल नंबर ना यूज करके अपना ईमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट करूँ तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा साइन अप विथ ईमेल एड्रेस। मैं अपने ईमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्लिक करूँगा साइन अप विथ ईमेल एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन रहता है वो यहाँ पे ऑटो टिक हो जाता है। अगर आपके फोन में वो ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यूज ए डिफरेंट ईमेल। लेकिन मेरे फोन में वो ईमेल लॉगिन है और मेरा ईमेल यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा सिर्फ इस ईमेल के सामने। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पासवर्ड डालना होता है, कोई यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड को इंटर कर रहा हूँ। अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे इंटर नहीं करना है, यहाँ पे आप अपना Facebook का पासवर्ड बना रहे हैं इसलिए आप अपने अनुसार से Facebook का पासवर्ड कोई भी सेट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा साइन अप, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा साइन अप करने के लिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहां से आपकी Facebook अकाउंट क्रिएट हो जाती है। अब दोस्तों यहां पे आप अपना चाहते हैं पासवर्ड सेव करना तो यहां पे आप क्लिक कीजिएगा सेव पासवर्ड। सेव पासवर्ड क्लिक कर देने से आप जब भी Facebook को ओपन करेंगे अब तो आपको बार बार पासवर्ड डालने का झंझट खत्म हो जाएगा, आपकी पासवर्ड Facebook ऐप में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेव पासवर्ड, चाहे तो आप नोट नाउ भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना होता है, अपना प्रोफाइल पिस लगाना होता है तो यहाँ पे चाहे तो आप अपना सेल्फी लेके फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके टेक ए फोटो पे। अगर आप अपने गैलरी में कोई अच्छा सा फोटो डाउनलोड करके रखे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपने गैलरी ओपन करके यहाँ पे अपना फोटो सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाद में फोटो लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा स्किप पे। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ चूज फ्रॉम गैलरी और इसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन देना होगा और यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपना फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा डन। अब यहाँ पे आप दोस्तों अपना फोटो को सेट कर लीजिएगा, इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा सेव, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा।
अब ये फोटो यहाँ से आपकी फेसबुक पे अपलोड होने लगती है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके कुछ यहाँ पे फ्रेंड मिल जाते हैं, चाहे तो आप इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड करना चाहते तो आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे स्किप पे। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा फिर से स्किप। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ओके। अब यहाँ से आपकी फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आपके ईमेल आईडी पे बिना ओपीटी आए हुए आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो वो कैसे। तो दोस्तों आपके फोन में जो ईमेल आईडी साइन इन होती है उसी से ये सिंक करके मैच करा लेता है, जिससे आपकी बिना ओपीटी के अकाउंट क्रिएट हो जाती है। अगर आप किसी और ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करेंगे जो ईमेल आईडी आपके फोन में साइन इन नहीं होगा तो फिर आपको ओपीटी के जरिए वेरीफाई करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फ्रेंड को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सोनू मेहता को सर्च कर रहा हूँ और इसे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पे, इस आइकॉन पे, इस तरह का ब्लू टिक हो जाने के मतलब इस व्यक्ति के पास मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड हो गया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं रिक्वेस्टेड, तो इसका मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट इस पे सेंड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हम बैक आते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे आप अपनी और डिटेल को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल करंट सिटी, वर्क प्लेस, स्कूल, इसे सेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने कवर फोटो को अपलोड करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको जो जो भी डिटेल इंटर करना होगा आप यहाँ से वो डिटेल को इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कि आप क्या हैं, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Bye.